नमस्कार दोस्तों, ईडी के एक बड़े अधिकारी ने सुसाइड कर लिया है। दिल्ली के अंदर ईडी के एक बड़े अधिकारी ने सुसाइड कर लिया है। अब ईडी का जब नाम आता है दोस्तों, तो हर किसी का कान खड़ा हो जाता है, क्योंकि बीते कई सालों से ईडी के बारे में हम सब बहुत कुछ सुन रहे हैं। अच्छा, बुरा, गलत, सही, ये सब कुछ ईडी को लेकर लगातार विपक्षी दल के नेताओं के जरिए आरोप लगते रहे हैं। विपक्षी दल कहती है कि भाजपा ईडी का पूरा, जी हाँ, पूरे तरीके से जो है उपयोग कर रही है। पावर का इस्तेमाल कैसे कोई करता है वो भाजपा वाले अच्छी तरीके से जानते हैं। इसीलिए तो विपक्षी दल के नेताओं के घर पर ईडी का जो अधिकारी हैं वो पहुँच जाते हैं, आनन फानन में गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। और ख़ासकर विपक्षी दल के बड़े बड़े नेताओं की जो एक लंबी लिस्ट है ईडी के रडार पर, वो देखने सुनने को मिल रही है। लेकिन अब अचानक से रातों रात ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली के अंदर, जी हाँ, दिल्ली के अंदर ईडी के एक बड़े अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। अभी कुछ दिन पहले तो आपने खबर सुना था, और राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए जानकारी दी थी कि उनके घर पर भी ईडी की दस्तक होने वाली है, ईडी दस्तक देने वाले हैं। ये सब कुछ आपने सुना होगा, हमने वो आपको खबर दिखाई। उसके दो तीन दिन बाद फिर खबर आती है कि ईडी समन देने की तैयारी में है राहुल गांधी को। किसी भी वक्त राहुल गांधी को गिरफ्तार कर सकता है, पूछताछ के लिए बुला सकता है, क्योंकि ईडी ने पूरी तैयारी कर ली है राहुल गांधी को पूछताछ के लिए। और सबसे बड़ी बात कि जो विश्वसनीय सूत्र हैं ईडी के अंदर, उनकी तरफ से नाम ना बताने को लेकर कई मीडिया चैनल को ये जानकारी लीक करवा दी गई। खबर तो ये भी आई, कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने ये भी कहा कि लगता है ईडी के अंदर कोई है राहुल गांधी का पक्का जानकार, जो अंदर की बातें बाहर लीक कर रहा है, वो भी विपक्षी दल के नेताओं के सामने। तो ये सब कुछ दोस्तों एक एक करके हमने देखा सुना, और फिर अचानक से खबर आई कि ईडी के डायरेक्टर का भी जो बदलाव है, जो बदल दिया गया है, वो भी हमने आपको वो खबर दिखाई कि कैसे ईडी के डायरेक्टर, जो मोदी जी के सबसे फेवरेट हुआ करते थे, जिनको एक्सटेंड कर करके भाजपा वाले, मतलब बीजेपी सरकार वाले, केंद्र सरकार वाले उनकी कार्यकाल को बढ़ा दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चला था ईडी के डायरेक्टर को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। और अब जब नए वाले डायरेक्टर साहब आ गए हैं ईडी के दफ्तर में, सब अपने कार्यकाल को शुरू करने के लिए सब कुछ अच्छे से चल रहा है, कि अचानक खबर आती है कि ईडी के अधिकारी ने सुसाइड कर लिया है। दरअसल दोस्तों, अगर खबरों की बात करें तो ईडी के इस अधिकारी ने, जी हाँ, रेलवे ट्रैक पर अपनी जान ख़त्म की है। सोचिए, एक बड़ा अधिकारी वो ट्रेन की पटरी पर आकर सुसाइड कर लेते हैं, जिसको लेकर TV9 के हवाले से खबर है। वो मैं खबर आपको बताना चाहूँगी कि क्या खबर बताया जा रहा है। TV9 के हवाले से खबर आ रही है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार में फंसे ईडी अधिकारी आलोक रंजन ने सुसाइड कर लिया है। रेलवे ट्रैक पर उनका शव मिला है। जी हाँ, दिल्ली प्रवर्तन निर्देशालय में तैनात एक अधिकारी आलोक कुमार रंजन मंगलवार की शाम को आत्महत्या करते हुए नजर आए हैं। उनकी खबर जो है वो सामने आई है कि वो शाम का वक्त था जब उन्होंने खुदकुशी कर ली। आलोक कुमार रंजन का शव साहिबाबाद के रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जानकारी मिलने के बाद ईडी के अधिकारी भी वहां पर पहुंच गए। जी हाँ, ये सब कुछ हुआ है दोस्तों। ऐसा हम लोग फिल्मों में देखा करते थे, लेकिन रियलिटी में ऐसा ही दिल्ली के अंदर हुआ है। कहा जा रहा है कि कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं था। कोई भी ईडी का अधिकारी जब ये खबर सुना तो कुछ बोलने को तैयार नहीं, सब चुप, सब खामोश कि आखिर क्या हुआ है, ऐसा कैसे हो गया है। अचानक जो अच्छा खासा इंसान था वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा रहा है। आलोक कुमार रंजन का एक कथित भ्रष्टाचार मामले में ईडी और सीबीआई की जांच के दायरे में थे। जांच में नाम आने के बाद से वो काफ़ी परेशान चल रहे थे, ऐसी जानकारी जो है वो दी गई है।
इसी महीने 7 अगस्त को ईडी के एक सहायक निर्देश संदीप सिंह को 50 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई से मुंबई के एक ज्वेलर ने शिकायत कर बताया था कि कुछ महीने पहले उनके यहाँ ईडी की रेड पड़ी थी और रेड के बाद ईडी ने उसके बेटे से पूछताछ की थी, जो कि ईडी को गिरफ्तार जो है वो कर सकती थी, तो सहायक निर्देशक संदीप सिंह ने बेटे को गिरफ्तार नहीं करने के एवज में 50 लाख रुपए की मांग की थी, ऐसी खबर आई है। ज्वेलर्स अपने बेटे को गिरफ्तारी से बचाने के लिए पैसे देने को भी तैयार हो गया, लेकिन उसने इसकी शिकायत सीबीआई से भी कर दी थी। ये पूरा फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा नहीं साउंड कर रहा है दोस्तों? हालांकि मैं कोई मैं कुछ ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन ऐसी सीन क्रिएट मैंने देखे है, आपने भी कहीं ना कहीं देखे होंगे कि गिरफ्तारी पैसे देने के लिए ज्वेलर्स तैयार हो जाता है अपने बेटे को बचाने के लिए, लेकिन सीबीआई को भी फिर इसमें इन्वॉल्व कर लेता है। ऐसी खबरें आ रही हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसकी शिकायत सीबीआई से भी कर दी और इस महीने 7 अगस्त को सहायक निर्देश संदीप सिंह को 20 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए दिल्ली के लाजपत नगर से गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने संदीप सिंह के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर ली और सीबीआई ने बताया कि मुंबई में ज्वेलर के यहाँ जब ईडी ने रेड की थी तब संदीप सिंह उस टीम का हिस्सा थे। इसके बाद सीबीआई ने जब घूस लेने को लेकर संदीप सिंह से पूछताछ शुरू की तो आलोक कुमार रंजन का नाम भी सामने आया। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में आलोक रंजन के नाम का भी जिक्र किया हुआ था और सीबीआई के एफआईआर में अपना नाम देखकर आलोक रंजन काफ़ी परेशान रहने लगे और इसी बीच ईडी ने भी मामले में कार्रवाई शुरू कर दी थी। पहले तो ईडी ने सहायक निर्देश संदीप शर्मा को सस्पेंड किया, उसके बाद सीबीआई के एफआईआर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये सारी न्यूज़ जो है ईडी को लेकर सामने आई है। अब देखिए क्या सच है क्या झूठ है, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि आत्महत्या करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है दोस्तों। बहुत प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें चलती है दिमाग में, या फिर कोई ऐसे दबाव होते हैं जिनकी वजह से इंसान इस तरीके का कदम उठा लेता है। और अब जब ईडी के अधिकारी जो इतने कहा जाता है कि फिट होते हैं, मेंटली वो बहुत ज़्यादा फिट होते हैं, वो इस तरीके की खबर उनको लेकर आती है तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़। ईडी को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं, विपक्ष दल के नेताओं ने बहुत बार आरोप लगाया है और क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था। हालांकि जो आर्टिकल खबर में छपी हुई है वो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि ये चीज़ें हुई, ऐसे ऐसे बातें बताई गई। सोचिए जो खुद 50 लाख रुपए गिरफ्तार होने के लिए, जी या ना होने के लिए, माफ़ कीजिएगा, ना होने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए ईडी को रिश्वत दे रहा है, वो सीबीआई को क्यों ऐड करेगा भाई? सोचने वाली बात है, सीबीआई को क्यों बताएगा कोई, जब मामला रफा दफा ऊपर ही ऊपर हो रहा है तो सीबीआई को बुला करके कोई अपने सर पर क्यों आफत मोल लेगा? जब वो बचना चाह रहा है गिरफ्तारी के डर से तो फिर ऐसी हरकतें कोई क्यों करेगा? या तो बहुत ही बेवकूफ़ कोई इंसान होगा जो इस तरीके का कदम उठाएगा, या तो बहुत अपने आप को शातिर समझ रहा होगा। क्योंकि कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों कि अगर कोई आपको गिरफ्तार कर रहा है, ईडी आपको गिरफ्तार करने के लिए पहुंच रही है, फिर ईडी का डील हो जा रहा है आपसे, आप खुद ईडी से डील कर रहे हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए, फिर आप सीबीआई को भी इन्वॉल्व कर दे रहे हैं, तो सोचने वाली बात है दोस्तों चल क्या रहा है। ईडी के एक बड़े अधिकारी सुसाइड कर ले रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।